जानने वाले हैं डिमांड एनालिसिस के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 3 है इकोनॉमिक्स का 3A, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डिमांड के ऊपर। आज का लेक्चर देखने के बाद आपको डिमांड जो टॉपिक है इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं है बनेंगे, बिकॉज की सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कवर कराऊंगी। एंड देन ऑल्सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमी है उन सभी के लिए। अब डिमांड एनालिसिस में हम लोग जानते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली डिमांड की मीनिंग क्या होती है। तो जहाँ पे डिज़ायर एबिलिटी होती है पे करने की हमारे पास और विलिंगनेस टू पे, इन तीनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसी को हम डिमांड कहते हैं। इन शॉर्ट में अगर इकोनॉमिक भाषा में बोला जाता है कि डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी के ऊपर हमारी डिज़ायर होना और हमारे अंदर एबिलिटी होना कि उस कमोडिटी को लिया तो उसके बदले में पैसे दे, तो ठीक है, इसी चीज़ को डिमांड बोलते हैं। गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव यूटिलिटी, गुड्स की डिमांड क्यों होती है, बिकॉज दे हैव एबिलिटी। सेकेंड थिंग इज डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ पर्सन इज रेडी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो एक प्राइस है उसको, उस प्राइस में कस्टमर देने को रेडी है पैसा और सामान लेने को रेडी है, ठीक है, उसको डिमांड है, उसको डिज़ायर है कि वो चीज़ उसे चाहिए, उसका सेटिस्फेक्शन वो मिलेगा जब वो चीज़ मिलेगी उसे, तो इसे ही डिमांड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हो कि जैसे कि दूध की दुकान, जो डेयरी की दुकान रहती है ना, वहाँ पे आप दही की डिमांड है, बहुत दही की डिमांड है, अगर तो दही कितने की है ये मैटर नहीं करता, बस दही चाहिए। दूध का भी ऐसे ही है, दूध कितने का हाई रेट का चाहिए लेकिन दूध चाहिए, ठीक है, लोग देते हैं पैसे, तो इस तरीके से डिमांड। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कि इन डिमांड में भी इंडिविजुअल डिमांड होता है, तो इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं, तो इंडिविजुअल डिमांड यहाँ पे जैसे ये शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, बाकी हम लोग ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड जो होता है, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड होती है जो कि इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसे हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मार्केट डिमांड होता है जहाँ पे मार्केट की डिमांड होती है, ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे मार्केट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात करते हैं, टाइप ऑफ डिमांड। टाइप ऑफ डिमांड में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट डिमांड हो गया, इनडायरेक्ट डिमांड हो गया। डायरेक्ट डिमांड मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली डिमांड हो रही है, जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है डायरेक्ट डिमांड का मीनिंग होता है व्हेन गुड्स एंड सर्विस आर डिमांडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। जैसे कि एग्जाम्पल में बोलूँ तो कपड़े, क्लोथ, कंप्यूटर, मोबाइल, मशीन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड जिसे हम डेरिवेटिव डिमांड भी बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो व्हेन डिमांड फॉर अ वन कमोडिटी गिव अ राइज टू द डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर सर, लेबर मशीन्स हो गए एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डिमांड में क्या होता है, वन कमोडिटी गिव राइज डिमांड फॉर अनदर, मतलब एक की वजह से दूसरे का भी काम हो जाता है, ऐसा उसे इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। जैसे कि आपके पास रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल को बनाने के लिए वो सब के लिए लेबर लगेंगे, तो इनडायरेक्टली डिमांड हो गए ना ये सब, ठीक है। जॉइंट डिमांड भी होता है, जॉइंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जॉइंट डिमांड मतलब कि व्हेन टू और मोर कमोडिटी आर डिमांडेड एट द सेम टाइम, जैसे कि दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी जब सेम टाइम में डिमांड किया जाता है उसे हम बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी बोलते हैं, जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं। जैसे कि कार हो गया, तो कार के साथ आपको पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, पेपर है, ठीक है, तो पेन चाहिए ही चाहिए, टूथब्रश तो टूथपेस्ट चाहिए, इस तरीके का। अब कंपोजिट डिमांड भी होते हैं, कंपोजिट डिमांड का मतलब पता है आपको क्या होता है, तो कंपोजिट डिमांड में व्हेन कमोडिटी इज डिमांडेड नंबर ऑफ यूजेस, जो कमोडिटी नंबर ऑफ यूजेस के लिए उस कमोडिटी की डिमांड होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा यूज होता है, जैसे कि लाइटिंग हुआ, कुकिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें।
और मिल्क है तो मिल्क का डिमांड होता है, जैसे टी हो गया, चाय बनाना है, कॉफ़ी बनाना है, आइसक्रीम बनाना है, एक्सेट्रा, तो ये कंपोजिट डिमांड होते हैं। ठीक है, एक से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ऐसे डिमांड्स होते हैं। एक कॉम्पिटेटिव डिमांड भी होता है, कॉम्पिटेटिव डिमांड मतलब कि वेन टू गुड आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, वेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी कम्पीट विद इट सब्स्टिट्यूट ऐसी चीज़ें उसे कम्पिटेटिव डिमांड बोलते हैं। जैसे कि चाय तो कॉफ़ी, पेप्सी तो कोको कोला, इस तरीके की चीज़ें। ये चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपकी क्लैरिटी हो जाएगी व्हाट इज़ अ डिमांड, डिमांड क्या चीज़ है, किस किस चीज़ की डिमांड होती है मार्केट में, इसलिए टाइप ऑफ डिमांड मैंने बताया। जब डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड हम करते हैं या फिर फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो उनमें से प्राइस होता है, इनकम होता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस, लेवल ऑफ टैक्सेशन, वेदर कंडीशन एंड टैक्सेशन पॉलिसी, अदर फैक्टर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है जब हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट डिमांड में जो कि प्राइस होता है, प्राइस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इस डिमांड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि प्राइस राइज डिमांड, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड आती है, और फॉल होता है व्हेन द प्राइस फॉल डिमांड राइज। देखिए, जब प्राइस बढ़ा दिया जाएगा तो डिमांड कम हो जाती है। देखो जैसे कि एग्जांपल मिठाई वाले की दुकान है, ठीक है, और आप गए मिठाई लेने के लिए, तो प्राइस अगर उसकी बढ़ गई, मिठाई वाले ने 200 रुपए का एक पाव दिया, तो आप जाओगे मिठाई की दुकान से देख के वापस आ जाओगे, मिठाई नहीं खरीदोगे आप, क्योंकि डिमांड कम हो गई, क्योंकि आपके पास पैसे कहाँ है भाई 200 रुपए की खरीदोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्राइस कम कर दिया मिठाई वाले ने 80 रुपए 60 रुपए, तो तुरंत आप जाओगे और खरीद लोगे, तो वो क्या होगा, इंक्रीज हो गई डिमांड, ठीक है। तो इस तरीके से आप जानते हैं जो कि ये सारी चीज़ें हमने देखी वो था ये डिटर्मिनेशंस के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ये भी जानेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, उन्होंने अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी को पब्लिश किया था 1890 में, और उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया। लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली में होता क्या है, तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस उन्होंने दी कि किस तरीके से इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस अगर कोई कमोडिटी मतलब कोई प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ जाता है, राइज मतलब बढ़ना, तो डिमांड ऑलरेडी उसका घट जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ की अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो ऑफकोर्स डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे तभी वो खरीद पाएंगे। तो इस तरीके से अलग तरीके से यहाँ पे मतलब डिमांड का रूल ही है लॉ ऑफ डिमांड में, एक ही चीज़ है याद रखनी है आपको, इधर डाल लो कि अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, कोई भी गुड्स एंड सर्विस की बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। फिर लॉ ऑफ डिमांड में भी वही चीज़ें कर्व के थ्रू बताया गया है जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, और फिर एजम्पशंस वगैरह ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में। पहला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड्स एंड प्राइस फॉर इट सब्स्टिट्यूट इज। तो देखो जो रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड का है और गुड्स का, डिमांड फॉर अ गुड्स, कोई गुड्स के लिए जो डिमांड है, तो प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगी, डायरेक्ट होगी, आप जा के जैसे कपड़े का आप डायरेक्ट जाके ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फेरियर गुड, इन्फेरियर गुड्स के क्या हो जाएंगे, इन्फेरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे कि ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, जो कि लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते, ऐसे गुड्स, तो वो इनवर्स, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फेरियर गुड इज इनवर्स। इनवर्स क्यों, क्योंकि इन्फेरियर गुड्स कैसे रहते हैं, अगर एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने उन्होंने बताया था कि इन्फेरियर गुड्स को अगर आप उनकी डिमांड प्राइस ज़्यादा कर देते हो इन गुड्स के ऊपर, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और अगर आप कम कर देते हो देन ऑल्सो आपका प्रोडक्ट का प्राइस बिकेगा नहीं। इसके बिहाइंड का रीज़न क्या है, इसलिए प्राइस मीडियम रखा गया है इसका, इसका बिहाइंड का रीज़न ये है कि अगर आपने अपने ब्रेड की, सपोज ब्रेड चाहते हो खरीदने, तो उसकी प्राइस 10 रुपये है, ठीक है,
तो पब्लिक के पास अगर पैसा है तो पब्लिक हाई क्वालिटी ऑफ थिंग चीज़ें खरीद सकते हैं, उस ब्रेड की जगह में और दूसरी चीज़ें वो खरीद लेंगे, लेकिन ब्रेड नहीं खरीदेंगे, कम पैसे का है, देन ऑल्सो वो नहीं खरीदेंगे, डिमांड उसकी कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मतलब प्राइस कम है, देन ऑल्सो डिमांड कम है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड इज इनवर्स। सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्रेस एट टू, यहाँ पे डी एक्स एफ, एफ इज फंक्शनल एंड ब्रैकेट में है पी एक्स। ठीक है, वेन लेस यूनिट आर डिमांडेड एट हाई प्राइस, मतलब कि लेस यूनिट डिमांडेड एट हाई प्राइस, इट शो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मतलब कि कम बचा है सामान और हाई प्राइस अगर उसका हम रख देते हैं बिकॉज कि हमारे पास सप्लाई करने के लिए क्वान्टिटी ही कम है, तो फिर यहाँ पे प्राइस बढ़ा दिया जाता है और उसे हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर टू है, गिव इकोनॉमिक टर्म में आप बताइए, अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है और वो भी कम प्राइस में। तो जब प्राइस कम होती है किसी प्रोडक्ट की तो डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, जैसे टमाटर की प्राइस कम कर दिया तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन दूसरे दिन ज़्यादा कर दिया तो फिर नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो अभी एक्सपांशन ऑफ डिमांड इसे कहते हैं कि डिमांड किस तरीके से बढ़ाना है उसके लिए ये प्राइस को कम करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, तो यहाँ पे हमेशा डिमांड कर्व का ही यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन है जो कि कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूज, तो वो है मल्टीपर्पज़ कमोडिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मल्टीपर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं, दूध हो गया मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें जैसे कि दूध है तो चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, आइसक्रीम बनाओ, मिठाई बनाओ, इन सारी चीज़ों में वेरियस मल्टीपर्पज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी भी हम वेरियस मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस। यहाँ पे बोला गया मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड, ज़्यादा डिमांड हो रही है, एंड ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर डिटरमाइन डिमांड अदर देन प्राइस, प्राइस को लेके जब हम चेंजेस करते हैं तो उसके कारण मोर क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ डिमांड हो जाती है, क्यों होती है, इंक्रीज इन डिमांड, और ऐसी चीज़ों को हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन है अ डिजायर विच इज बैक बाय विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे, उसे हम कहेंगे डिमांड। अ डिजायर विच इज बैक बाय विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे, उसे हम क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। अब जानते हैं डिमांड और डिजायर के बारे में कि भाई ये दोनों चीज़ें क्या है, क्योंकि डिजायर अलग होती है डिमांड अलग होती है। तो डिजायर की पहले बात करें तो ये डिजायर और डिमांड, ठीक है, तो डिजायर में आएगा, डिजायर का मीनिंग क्या है कि डिजायर रेफर टू अ मेयर विश ऑफ अ पर्सन टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यहाँ पे एक पर्सन है उसकी विश है कि ये पर्टिकुलर कमोडिटी, ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो मुझे चाहिए, जैसे कि मुझे एक कार चाहिए, तो मुझे ये वाली पर्टिकुलर एक कार चाहिए, एक डिजायर है। ठीक है, डिमांड का मीनिंग क्या हुआ, डिमांड रेफर टू अ डिजायर बैक बाय द एबिलिटी टू पे एंड द विलिंगनेस टू पे फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब कि डिमांड यहाँ पे क्या है कि अगर मेरी डिमांड है, मतलब कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मेरे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए कि भाई मैं अगर मोबाइल ली हूँ तो भाई तू ले तेरा पैसा और मोबाइल मेरे को मिलेगा। ठीक है, लेकिन पैसा नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूँ लेने को, तो क्या मेरी डिमांड होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे पास पैसा है और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मेरे पास आए, मेरे पास विलिंगनेस है टू पे द कमोडिटी, तो उस तब डिमांड होगी। ठीक है, अब आते हैं रिलेशन विद प्राइस प्लेस एंड टाइम, डिज़ायर हैज़ नो रिलेशन विद प्राइस प्लेस एंड टाइम, डिज़ायर में कोई रिलेशन नहीं होता प्राइस का प्लेस का एंड टाइम का, लेकिन वही प्लेस में अगर हम बात करें डिमांड की तो रिलेशन विद प्राइस प्लेस और टाइम का होता है, डिमांड हैज़ रिलेशन विद प्राइस प्लेस एंड टाइम।
तो ये चीज़ें थी आपको शॉर्ट में समझाने की, अगर एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। एक्सपांशन इन डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होते हैं। तो एक्सपांशन इन डिमांड में क्या रहता है कि जब आपकी प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस में जब प्राइस आपका बढ़ जाएगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मोमेंट इन इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें एक्सपांशन इन डिमांड में, तो वो लेफ्ट से राइट में जाता है, और यहाँ का बात करें कॉन्ट्रैक्शंस में तो राइट से ये अपवर्ड की ओर जाता है। अब बात करें अगर इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड की, तो इंक्रीज इन डिमांड का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे प्राइस क्या होती है, जैसे कि राइज इन डिमांड, जब डिमांड बढ़ जाता है कॉज बाय फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर देन प्राइस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। जब प्राइजेस में चेंजेस आते हैं तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है। प्राइस अगर कम किया तो डिमांड बढ़ गई, ठीक है। और डिक्रीज इन डिमांड का मीनिंग क्या हुआ कि जब डिमांड कम होती है, क्यों, क्योंकि प्राइजेस में चेंजेस जब हम लाते हैं तब डिमांड कम होती है, जैसे कि प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो गई इस तरीके से, तो उसे डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इंक्रीज इन डिमांड का रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है राइज इन इनकम, हमारा इनकम बढ़ा देना, या फिर देखिए डिमांड कम कब होती है, तो एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ईजी है। जैसे कि मार्केट में डिमांड है मोबाइल फ़ोन्स की, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेते हम, ब्रेड का लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट में डिमांड है ब्रेड की, और अगर इनकम लोगों पब्लिक की इनकम ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो पब्लिक ब्रेड की जगह कुछ और चीज़ें खाना पसंद करेगी, तो वो कुछ और चीज़ें ले लेगी, ठीक है। तो इसलिए ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी, राइज इन इनकम। दूसरी चीज़ इंक्रीज लाइकिंग फॉर अ कमोडिटी, कि इसकी जगह मैं दूसरा खरीद लूँ, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है डिमांड को कम करने का, बढ़ाने, इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड को बढ़ाने का, जैसे कि राइज इन इनकम, इनकम बढ़ा दिया तो फिर उसमें भी डिमांड का आता है इस तरीके से। टैक्सेस कम कर दिए तब भी डिमांड बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आई कि जब टैक्सेस हम कम कर देते हैं तब भी डिमांड बढ़ जाती है। डिक्रीज इन डिमांड में अगेन अपोजिट रहता है इसका, फॉल इन इनकम, इनकम कम है इसलिए डिमांड कम हो रही है, इनकम ज़्यादा हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम है तो डिमांड भी कम हो गई। डिक्रीज इन लाइकली फॉर अ कमोडिटी, ऑफकोर्स कम हो जाएगा, और इनकम टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड ऑफकोर्स कम पड़ जाएगी, ठीक है। कोई भी टैक्सेस अगर बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम होने लगती है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्टेट विद रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट से सहमत हो या नहीं ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या ये सही है कि डिमांड कर्व जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। यस ऑफकोर्स ये सही है, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्या रीज़न है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर अल्फर्ड मार्शल के द्वारा बताया गया है, अदर थिंग बीइंग इक्वल एज प्राइस फॉल, बाकी चीज़ें इक्वल होगी अगर प्राइस कम है तो, एंड डिमांड टेंडेड टू राइज, प्राइस राइजेज डिमांड टेंडेड फॉल। यहाँ पे बोला गया है अगर डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है तो प्राइस फॉल करने में, और अगर प्राइस बढ़ा दी और डिमांड यहाँ पे कम हो रही है तो ये एक यहाँ पे बोला गया है कि डिमांड टेंडेड फॉल, अगर डिमांड टेंडेड प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी, ये चीज़ अल्फर्ड मार्शल बता रहे हैं। फिर उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पूरा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आप कर्व में देख सकते हैं, ठीक है। From the above diagram, it can be seen that a price rise from OP to OPN. देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो OP है, एक मिनट, अब आप देख सकते हैं जो कि OP, इस प्लेस में OP है अपना, तो किस तरीके से राइज हो रहा है
अब देखिए, तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। देन यहाँ पे डिमांड इंडिकेट, डीडी जो है वो डिमांड को इंडिकेट कर रहा है। इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी की बात कर रहा है। तो जैसे कि हमने डायग्राम के थ्रू देखा कि किस तरीके से डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होने का रीज़न भी यहाँ पे वही था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में डिमांड कम कैसे हो रही है। तो जैसे कि ये पी है, पी वन से पी में गया, ठीक है, नीचे आता है, तो देखो डिमांड कैसे कम हो रही है। और अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पे ये चीज़ फॉर्मेट करी है, ये देख सकते हो आप Q1, Q2। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे ये आपका ओके, जैसे कि ये डायग्राम था हमारा, ठीक है, और यहाँ पे ये पी है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस है, ये उस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जब ये पी ऐसे जा रहा है, मतलब कि प्राइस कम है और डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड देखो कितनी है, ठीक है। और अगर मैं यही प्राइस बढ़ा दूँ, और जब प्राइस मैं बढ़ाती हूँ तो डिमांड अपने आप यहाँ पे देखो कितनी हो जा रही है। और ऐसे ही अगेन मैं करती हूँ तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई आपको समझे, इसलिए इस तरीके से बनाया जा रहा था, ठीक है। देन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, मल्टीपर्पज यूजेस की सारी चीज़ें जो इफेक्ट होती हैं, क्यों? क्योंकि मल्टीपर्पज यूजेस के लिए ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। न्यू कंज्यूमर एक्सेट्रा एंड आर द रीज़न फॉर डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, और यही रीज़न है कि लेफ्ट से राइट डिमांड कर्व जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राइस इज़ द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो येस नो, प्राइस इज़ द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, नो, ये सेंटेंस, ये जो स्टेटमेंट है इससे मैं डिसएग्री हूँ, नो आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। रीज़न क्या है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जिसे मैंने फैक्टर अफेक्टिंग भी बताया था। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो पहला है प्राइस। Price is one of the most important factor that affect the market demand. Usually larger quantity is demanded at lower price. ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी की डिमांड होती है तो वो भी कम प्राइस में, और उसका टोटली अपोजिट होता है। इनकम की बात करें तो इनकम इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट मार्केट डिमांड। इनकम अफेक्ट द परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम एंड डिमांड आर डायरेक्टली रिलेटेड ईच अदर एंड नॉर्मली डिमांड राइजेस विथ इंक्रीजिंग इनकम एंड वाइस वर्सा। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, मार्केट डिमांड ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात की जा रही है, मतलब कि जैसे कि प्राइस ऑफ चाय की डिमांड हो गई, डिमांड कॉफ़ी की हो गई, इस तरीके से। देखिए जैसे कि अगर चाय की डिमांड, प्राइस ऑफ टी फॉल हो जाता है, मतलब कि चाय का जो प्राइस है वो कम हो जाता है, तो डिमांड फॉर कॉफ़ी टेन टू फॉल, तो कॉफ़ी का भी थोड़ा कम हो जाता है। एक सब्स्टिट्यूट का है कि एक दूसरे पे इफेक्ट गिरता है। प्राइस ऑफ इन कम्प्लीमेंट्री गुड, कम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कि कार है तो पेट्रोल चाहिए, जैसे कि इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड जो कार की है वो कम हो जाएगी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में इफ कमोडिटी नेसेसरी एंड इट यूज इन अनअवेलेबल देन डिमांड विल कंटिन्यू टू बी अ सेम इरेस्पेक्टिव चेंजेस। एग्जाम्पल के लिए डिमांड फॉर सॉल्ट, नमक की डिमांड, मेडिसिन की डिमांड, ये सारी चीज़ें, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से भी डिमांड होती है, ठीक है।
दूसरी चीज़ है साइज ऑफ पॉपुलेशंस, कि पॉपुलेशन इतनी है, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वैरायटी ऑफ डिमांड गुड्स और सर्विस की आएगी, ठीक है। और अगर डिक्रीज होगी पॉपुलेशन तो डिमांड और वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस में डिमांड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर एक्सपेक्ट फॉल इन द प्राइज ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, कंज्यूमर ऐसे एक्सपेक्ट करें, जैसे मैं सोचूँ कि जो कांदा है, ऑनियन है, उसका प्राइस कम होने वाला है, ऐसा मैं देखूँ तो फ्यूचर में विल डिमांड लेस क्वान्टिटी ऑफ वो सच अ कमोडिटी। मतलब कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्याज जो कांदे की डिमांड है वो कम हो जाएगी, लेकिन वो तो और बढ़ गए, तो यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे कस्टमर भी एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में कि मतलब भाई इतना कम होना चाहिए, नहीं हुआ तो डिमांड कम हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की वजह से ही बहुत सारे अट्रैक्टिव कॉस्मेटिक या कॉस्मेटिक चीज़ें अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग की वजह से, बहुत सारे सेल्स प्रमोशन स्कीम की वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में आती है। जैसे कि लक्स साबुन, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हीरो हीरोइन ऐसे लगाते हैं और बोलते हैं कि गोरा हो जाएगा, ये वो संतूर मॉम, अलग अलग साबुन है, टीवी में देखा लोगों ने, वो यूज़ किया, नहीं हो रहा है इफेक्ट, देन ऑल्सो पीपल यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इतना खतरनाक एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजिंग ऐसी हो कि मैं कस्टमर लेता ही लेता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की वजह से भी हाई डिमांड हो जाती है। सबके अपने अपने टेस्ट, हैबिट एंड फैशंस होते हैं, तो फॉर एग्जांपल लाइकिंग अ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन सारी चीज़ों का भी डिमांड होता है। फैशनेबल, अपने अपने हिसाब से चीज़ों की डिमांड होती है। लेवल ऑफ टैक्सेशंस, लेवल ऑफ टैक्सेशंस में कि गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी आल्सो अफेक्ट डिमांड, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर टैक्स का लेवल कम है तो कंज्यूमर का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, उनके पास इनकम रहेगी ना तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर डिमांड ही कम है, गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगाया है तो फिर डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अदर फैक्टर्स में आप देख सकते हो क्लाइमेट कंडीशंस हो गए, फ्लड, ड्रॉट मतलब सूखापन होना, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाना, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें, चाहे वो चेंज इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, व्हेन प्राइस ऑफ गिफ्ट एंड गुड फॉल, कब प्राइस गिफ्ट एंड गुड फॉल्स का प्राइस कम होता है गिफ्ट एंड गुड्स का, एंड डिमांड फॉर इट इंक्रीज, कब इंक्रीज होता है, व्हेन प्राइस ऑफ गिफ्ट एंड गुड फॉल एंड द डिमांड फॉर इट इंक्रीज। इसका आंसर है नो, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्यों डिसएग्री हूँ, क्योंकि गिफ्ट एंड गुड के लिए बताया गया, जो इकोनॉमिस्ट हैं सर रॉबर्ट गिफ्ट, जिनके ऊपर ये गिफ्ट एंड गुड आया है फ्रॉम इंग्लैंड, नोटिस दैट, उन्होंने नोटिस किया कि इन द केस ऑफ इन्फेरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, जो इन्फेरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, शॉर्ट टर्म में जो यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट, तो उनका लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड। तो सर रॉबर्ट गिफिन बोलते हैं, उन्होंने इंग्लैंड में नोटिस किया कि जो आप लॉ ऑफ डिमांड बोलते हो कि प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, प्राइस ज़्यादा हुआ तो डिमांड कम हो जाएगी, तो ये थ्योरी मैच नहीं कर रही है, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने देखा कि व्हेन द प्राइस ऑफ गिफ्ट एंड गुड फॉल, जब गिफ्ट एंड गुड्स जो होते हैं उनका प्राइस अगर कम कर दिया तो बायर रियल इनकम गेट इंक्रीज, तो बायर की तो जो रियल इनकम है वो इंक्रीज ही है, एज इट अफेक्ट दे डिमांड मोर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड, और बायर्स के पास जब इनकम है तो वो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स की ओर भागते हैं, ना कि इन्फेरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स की ओर भागेंगे, तो इसलिए ये थ्योरी वर्क उसमें नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हेन प्राइस ऑफ वनस्पति घी, जैसे कि वनस्पति घी आपको पता होगा तो फॉल, सब जो वनस्पति घी का प्राइस कम है,
तो डिमांड भी कम ही होती है, डिमांड फॉर प्योर घी के और बढ़ जाती है, लोग वनस्पति का लेने की जगह प्योर घी की और प्योर घी लेने लगते हैं क्योंकि पैसा ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए दस फॉल इन प्राइस ऑफ गिफ्ट एंड गुड लीड टू फॉल इन देयर डिमांड। यहाँ पे गिफ्ट एंड गुड का एक ही चीज कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब प्राइस गिफ्ट एंड गुड्स के प्राइस कम होते हैं तो डिमांड भी कम हो जाती है, एंड देयर फॉर गिफ्ट एंड गुड आर कंसिडर एज द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, एंड दिस फेनोमेना इज गिफ्ट एंड पैराडॉक्स, एंड दिस व्हेन प्राइस ऑफ गिफ्ट एंड गुड्स फॉल डिमांड फॉर इट डज नॉट इंक्रीज बट डिक्रीज। इंक्रीज होने की लगा डिक्रीज हो। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऑब्जर्व करना है टेबल को और उसके कुछ आंसर्स देने हैं। तो इस टेबल्स में आप ये पूरा टेबल है कि प्राइस पर केजी 25, 20, 35, 40, कंज्यूमर ए, देन क्वांटिटी डिमांडेड, कंज्यूमर बी की ओर से कितना डिमांड आ रहा है, फिर कंज्यूमर सी, फिर मार्केट डिमांड इन केजी की ओर कितने आ रहे हैं, तो 43, 33, 27, 08 इस टाइप की चीज़ें। नेक्स्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डायग्राम आपको देखनी है और उसका आंसर आपको बताना है। राइट वर्ड शिफ्टेड इन डिमांड कर्व, जो राइट साइड में जो शिफ्टेड किया गया डिमांड कर्व को वो क्या शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो इंक्रीज का शो कर रहा है, मतलब कि इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्ट वर्ड शिफ्टेड डिमांड कर्व, लेफ्ट साइड का जो ये यहाँ साइड शिफ्टेड है यहाँ साइड का, उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस रिमेन क्या है, कॉन्स्टेंट है, ओपी आप देखो ओपी, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम अंडर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिमांड किसके अंडर आता है, तो चेंज इन डिमांड के अंदर आता है। आइए जानते हैं यहाँ पे जो कि है डायग्राम आपको दिया गया है और इस डायग्राम को हमें समझना है। तो जैसे कि ए वाला है जो आप ऊपर का देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, तो ये कौन सा वाला डायग्राम है, और जो नीचे वाला है ये कौन सा वाला है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा है कि डिमांड यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस भी कम है तो यहाँ पे डिमांड भी कम है, और यहाँ पे इस तरीके से है। तो देखिए जो डायग्राम बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपांशन इन डिमांड, कि डिमांड की एक्सपांशन कितनी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है ना, इसे ऊपर की ओर कब जा रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है, ठीक है। और डायग्राम ए में क्या हो रहा है कि डाउन नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट से नीचे की ओर राइट साइड में जा रहा है, तो डाउनवर्ड साइड का शो कर रहा है। और नेक्स्ट है जो कि डायग्राम बी में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्शंस डिमांड है। डायग्राम बी में क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस डिमांड दिख रही है, अपवर्ड से लेके राइट में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है कि अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जा रहा है डायग्राम बी का। अब यहाँ पे और बात करते हैं लास्ट हमारा क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, साथ ही में आपका लेसन्स भी कवर हो गया, और वेरी इंपॉर्टेंट है आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने एबल हो जाओगे कि जब आपका पेपर होगा तो उसमें आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आए आप अटेंड करके आ सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी स्टेट एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ जिसको डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने पब्लिश किया, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी उनकी बुक है उसमें, और उसमें ये बताया गया कि प्राइस अगर कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी, उन्होंने डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप बताया है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ उनका क्या था कि अदर थिंग बींग इक्वल द अमाउंट डिमांड राइजेस, क्या होगा, अमाउंट ऑफ डिमांड की बढ़ जाएगी विथ अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशिंग विथ अ प्राइज इन
राइज इन प्राइस, जब प्राइस बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगी। सिंबॉलिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिया जाता है, डी एक्स इज इक्वल टू एफ फिर ब्रैकेट में पी एक्स। डी स्टैंड करता है डिमांड को, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब एक्स समझो, एंड एफ स्टैंड करता है फंक्शंस, और पी एक्स बताता है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये है आपका टेबल, टेबल भी आपको बनाना है। तो इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो इसका आंसर है शेड्यूल फॉर्म द अबाउ, अब यहाँ पे जो आपको ये शेड्यूल दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, इसके ऊपर से आपको आंसर देना है। फ्रॉम द अबाउ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेजर प्राइस वन, पहला वाला मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, यहाँ पे आप टेबल में अगर देखेंगे तो मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स आर डिमांडेड, 5 यूनिट की डिमांड यहाँ पे की जा रही है। सिमिलरली हायर प्राइस जब हो जाता है, 2 में आओ, ठीक है, तो हायर प्राइस जब हो जाता है तो 5 रुपये इसका अगर हायर प्राइस है तो लेस यूनिट ऑफ कमोडिटी हो जाती है। इनवर्स यहाँ पे आपको डिमांड और इसका दिखेगा कि इनवर्स रिलेशन है, जैसे कि प्राइस का आप देखो तो 5 है यहाँ साइड में, तो यहाँ पे जो यूनिट है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि इनवर्स है, अगर प्राइस आप ज़्यादा कर देते हो तो एक ही डिमांड आ रही है यहाँ पे, तो इस तरीके से है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व अगर हम देखें तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देन एक्सप्लेन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व को यहाँ पे फिर एक्सप्लेन किया गया है, जो कि लेफ्ट से राइट साइड में रहता है, और इसका प्राइस और डिमांड इनवर्स रिलेट करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है यहाँ पे एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट डिमांड में ऑलरेडी प्राइस रहेगा, प्राइस, दूसरा है इनकम, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, सब्सटीट्यूट गुड में जैसे कि मैंने पहले बताया चाय टी फॉल हुआ तो डिमांड और कॉफ़ी के लिए, देन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में बात किया कि पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाएगी कार्स की, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स में भी यही सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि अलग अलग नेचर, जैसे मेडिसिन का अलग नेचर है, मेडिसिन हो गए, सॉल्ट हो गए, ये सारे भी तो प्रोडक्ट ही हुए ना, तो इन सारी चीज़ों के बारे में, देन हैबिट हो गए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं, देन लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड अदर फैक्टर। तो इस तरीके से हमने हमारा लेसन कंप्लीट किया। अब भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपके सभी डाउट को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।